तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इस चैप्टर में। तो पहला ही हम लोग का जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 10.5। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, देखो कि टेक ए कार्डबोर्ड, ठीक है, ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्क्रेटेड मैच बॉक्स ले लेना है, पर्प एन इलेक्ट्रिक वायर, उसके ऊपर आपको क्या करना है, वायर फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड, ठीक है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, नाउ कनेक्टेड द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, जैसे ये क्या करना है आप लोग को, एक मैच बॉक्स का ले लेना है, जो अंदर वाला बॉक्स रहेगा जिसमें हम लोग का जो है मैच स्टिक रहता है वो ले लेना है, ठीक है। आप इसके ऊपर साफ साफ देख सकते हो बच्चों कि वायर इसमें हम लोग लपेट दिए थोड़ा, ठीक है, और वो वायर का टू इंड कनेक्ट हो जाएगा आपका द सर्किट में, जैसे दिखाया गया है। ये छोटा वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो यहाँ हम लोग का सेल हो गया, ठीक है, ये सेल है, ये हमारा जो है की हो गया, ठीक है, और ये बल्ब का सिंबल है बच्चों, ठीक है, ले लिए, सर्किट हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट चिल्ड्रंस यहाँ करना क्या है देखोगे, ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। तो आपको यहाँ केयरफुली क्या करना है, जो कंपास नीडल होगा, ठीक है, ये कंपास नीडल आपका किधर मूव कर रहा है ये आपको देखना है। तो अभी बच्चों देखो, करंट का डायरेक्शन हमारा इधर पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की ओर आ रहा है, ठीक है, यानी ये वायर में राइट साइड से इधर से बहते हुए इस डायरेक्शन में हमारा करंट जो है जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आपको ये गौर कर लेना है कि करंट किधर जा रहा है। एंड आफ्टर दैट चिल्ड्रन ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव टू स्विच ऑन द पोजिशन। तो आप देखोगे बच्चों, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल इफेक्टेड मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजिशन, डज द कंपास नीडल कम बैक इट्स इनिशियल पोजिशन, ठीक है, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फ्यू टाइम्स, डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। तो बच्चों आपको यहाँ करना क्या है, ठीक है, बेसिकली आपको ये स्विच जो है ऑन ऑफ करके देखते रहना, ये हमारा स्विच है, स्विच अभी आप देखोगे बच्चों की जो है अभी ऑफ पोजिशन में है, ठीक है, ऑफ पोजिशन में है, इसको ऑन कर देना है, ऑन करने पर ये टच हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों तरफ टच हो जाएगा यहाँ, और क्या होगा, करंट विल बी फ्लो, करंट फ्लो करेगा इधर से। तो आप देखोगे बच्चों ये जो यहाँ कंपास नीडल जो रखा हुआ है मैच बॉक्स के अंदर, इट विल बी डेफ्लेक्टेड, ये डेफ्लेक्ट करेगा, ठीक इसी तरह जैसे आप कोई कंपास नीडल के पास कोई मैग्नेट को लाते हो तो डेफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिपल्सन या तो फिर अट्रैक्शन होगा, तो इसे यहाँ आपको एक मूवमेंट नज़र आएगा यहाँ जो कंपास है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर, तो आपको यही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ, जब इसमें करंट फ्लो होगा वायर में, व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू दिस वायर, इट विल बी मैग्नेटाइज्ड, जो ये जो वायर हमारा यहाँ लपेटा हुआ है उल्ट किया हुआ, तो इससे क्या होता है करंट फ्लो कर रहा है, तो वो वर्क एज ए मैग्नेट, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ठीक है, यानी करंट जब पास कर रहा है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट विल बी बिकम्स ए मैग्नेट, तो एक मैग्नेट जैसा काम करता है, ठीक है। व्हेन द नीडल ऑफ ए कंपास इज टाइनी मैग्नेट्स, ठीक है, वाइज पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, व्हेन ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट डेफ्लेक्टेड, ठीक है। तो नीडल जैसे मैग्नेट क्या होता है, डेफ्लेक्ट करता है, आप देखोगे बच्चों, वी ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट डेफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो थ्रू नियर बाय वायर, तो उसमें डेफ्लेक्शन आता है। कनेक्ट द टू, ठीक है, कैन यू कनेक्टेड द टू ऑब्जर्वेशन, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर, डज द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, करंट जब फ्लो कर रहा है बच्चों तब वो हमारा मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं। तो ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे थे हैंस क्रिश्चन और एस्टेडिन, उन्होंने इस चीज़ को पता लगाया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन ए कंडक्टर इट विल बी बिकम ए मैग्नेट, ठीक है, नीडल एवरी टाइम करंट वाइज पासेस थ्रू द वायर, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वायर इट बिहेव लाइक ए
मैग्नेट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, करंट पास करता है थ्रू द वायर, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू ए मैग्नेट, डू यू फाइंड टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई टू इट आउट। तो हम लोग इसमें काफ़ी आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग का बात नहीं है बच्चों। ठीक है, ये मैग्नेट जैसा काम करता है। आगे का वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग बात करेंगे। वीडियो दोस्तों बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।